उसकी और ये तबीयत खराब, उसको टेम्परेचर है, गला खराब है। हमने कहा कि उसकी मेडिसिन ले आते हैं और साथ तो फ्रूट लेना है घर का, मेहमान आए हुए हैं। हाँ जी, चावल लेने हैं। तीन चार काम हमने सोचा कि इकट्ठे ही कराए क्योंकि लाहौर का मौसम हो रहा है काफी ज्यादा खराब। देखें, खुशगवार। हाँ खुशगवार। हाँ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। गर्मी से फिलहाल हमारी जान छुटी हुई है। पाँच छह दिन से मुसलसल यहाँ बारिश हो रही है, कभी रुक जाती है फिर शुरू हो जाती है, और आज तो मुसलसल सुबह से बहुत ज्यादा बारिश है, हल्की हल्की हो ही रही है मुसलसल बारिश। और रब भी जिद करके हमारे बाकी साथ कामों के बहाने थे। असल में हम माहिर क्योंकि हमारे खानदान का सबसे लिटिल बॉय और हमारा लाडला, मैं नदीन क्या लगा वो मैं भूल जाता हूँ, मेरा भतीजा, तो आपका भी भतीजा ही, मेरा भतीजा। हाँ जी, उसकी मेडिसिन लेनी थी, हमने कहा चलो मेडिसिन भी ले आते हैं। जब ये बड़ा होकर ब्लॉग देखेगा तो फिर मैं ना उसे कहूँगा कि आपके बाबा नहीं आए थे आपकी मेडिसिन लेने, आपके फूफा आए थे और फूफी। और ये झूठ है, उसके मम्मा बाबा भी पीछे बैठे हुए हैं क्योंकि इतने छोटे बच्चे को डॉक्टर मेडिसिन देते ही नहीं जब तक माँ साथ ना हो। अच्छा, हाँ जी, क्योंकि झूठ तो नहीं बोला मैंने यार, उनके सामने, उनके मम्मा बाबा के सामने ही कह रहा हूँ मैं। हाँ जी, और मौसम की वजह से यहाँ ट्रैफिक फंस गई हुई है, रश है क्योंकि हर तरफ पानी पानी हो रहा है। और अब हम पहुंच गए हैं कहाँ, रावी पुल पे। रावी पुल और अब कहाँ पहुंच गई है, रावी पुल पे। और रावी में भी वो बारिशों की वजह से ना फुल पानी भरा हुआ है रावी में। हाँ, वो पानी भी दिखाते हैं हम। यहाँ पहले रावी वहाँ तक फैली हुई थी, अब यहाँ पे इन्होंने कब्जा किया हुआ है, अपने जानवर मवेशी यहाँ रखे हुए हैं। और रावी में पानी देख लें कितना, और सैलाब का भी खतरा है। बता हाँ रहे हैं कि अगले 48 घंटे इंतहाई अहम है, फुल भर गई हुई है ये रावी यहाँ से पानी से। तो हम, मेरी तो दुआ ये है कि अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे, खुदा ना खास्ता। मेरी दुआ है कि पहले तो सैलाब आए ना अगला। मुझे बहुत ज्यादा उम्मीद है अपने अल्लाह पे, इंशाल्लाह सैलाब नहीं आएगा ताकि गरीब लोग। लेकिन ये है कि मौसम की वजह से मौसम काफी खुशगवार हो गया हुआ है जिसकी वजह से पानी देखो कितना है, पानी देखो। हाँ जी, पानी देखें जी रावी में, जिसकी वजह से जो हमारे मेहमान आए हुए हैं वो भी काफी इंजॉय कर रहे हैं। अगर तो गर्मी होती तो गर्मी में तो मत मारी जानी थी मेहमानों की भी और साथ हमारी भी, लेकिन अब सब इंजॉय कर रहे हैं मौसम, सब इंजॉय कर रहे हैं। और मौसम, और अब उन्होंने बच्चों ने ये भी फरमाइश की है कि मम्मा हमारे लिए ना समोसे लेती है ना, उनके समोसे भी लेने हैं। ठीक हो गया जी, उनके समोसे भी लेते हैं। नूरीन आज तो मजेदार पुलाव बना रही हो, हैं? मजेदार पुलाव बना रही हूँ, और मौसम भी हो रहा है मजेदार। मौसम तो ऐसा हो रहा है ना नूरीन, मजाक से हटके भी मेरा दिल चाह रहा है कि बस सारी पुलाव ये सारी की सारी मैं ही खा जाऊं। हाँ जी, खा के दिखाओ, आज चैलेंज है, पूरी पुलाव खाओ। चैलेंज कर रही हो मुझे, मैं सारे खा जाऊंगा फिर सोच लो। सौ फीसद हाँ जी। और ये हादी को तो पुलाव पता नहीं पसंद है कि नहीं, इसके लिए तो मैंने दाल चावल, अब्दुल हादी के लिए इसको पुलाव नहीं खिलानी हमने। नहीं नहीं, अब्दुल हादी पुलाव ही खाएगा, ये नहीं हो सकता। मैं तो कह रही थी दाल चावल पसंद है। नहीं जी, पुलाव पसंद है क्यों जी। हाँ जी, एक और पुलाव का। लो जी, अब अपनी ताई अम्मी को जवाब दो, कोई और खा लेगा। हाँ जी, और ये पुलाव नूरीन जो मुझे अब तक महसूस हो रहा है ना, बहुत मजेदार बनने वाली है। अल्लाह करे कि बन जाए मजेदार। नहीं, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, आप माशाल्लाह अच्छा खाना बनाती हो, अच्छी कुक भी हो। और मैं तो ये कहता हूँ कि हमारे चैनल की अगर स्टार्ट की वीडियो देखें तो आपकी टोटल कुकिंग की है। हाँ, कुकिंग की है और बहुत ज़बरदस्त कुकिंग करती है माई मिसिज नोरी। हाँ, और ये जो पीछे झूले पे हमारे कपड़े कपड़े नजर आ रहे हैं ना सबको, और ये कपड़ों के दरमियान में पता नहीं कौन है। हाँ जी, कपड़े धोए थे, बारिश हो रही है इसलिए यहाँ डाल दिए कि खुश हो जाएं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब ये बताओ ये कितनी एक देर लगेगी खाना तैयार होने में, पुलाव तैयार होने में? 20 मिनट 20 मिनट बाद हम खाना खा रहे होंगे इंशाल्लाह, ऐसे ही।
बहुत मजा आने वाला है। और जिस जिसने पुलाव खानी है मेरी तरफ से दावत, वो आ जाए। हाँ जी, 100% दावत है और हमें खुशी होगी जो भी भाई हमसे रابطہ करता है या कौन वो क्या कहते हैं कमेंट करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है। तो काइंडली कमेंट ज़्यादा किया करें, लाइक शेयर भी किया करें। सब बहन भाई, मैंने कहा सब तो सब बहन भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, काइंडली अपने भाई की सपोर्ट करें। थैंक यू। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबह का नज़ारा, मौसम देखो नूरीन कितना प्यारा है। और आप सिर्फ ऊपर नहीं आई, जैसे ही मैंने देखा आप ऊपर जा रही हो, मैं भी मोबाइल लेके ऊपर आ गया। खामोशी सुकून, मुर्गे अभी भी बांगे देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, उनका तो काम यही है। बिल्कुल उनका तो काम ही यही है ना। और देखो कितना मजा आ रहा है यार यहाँ ठहर के। और आज पहले तो सुकून है, अल्लाह का नमाज पढ़ने के बाद जो सुकून मिलता है उस जैसा सुकून तो है ही नहीं। लेकिन ये जो सुबह का नज़ारा है, ये और भी ज्यादा पुरसुकून है। इतना मजा दे रहा है ना आपकी सोच है। चल रही है और बिल्कुल हल्की हल्की बारिश हो रही है, ऐसे ही है। बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत सुकून है। हाँ, और ना ये बादल देखो, काले बादल आए हुए हैं। हर तरफ खामोशी खामोशी ना, अभी ट्रैफिक का शोर है। हाँ जी, ट्रैफिक भी नहीं अभी चलना शुरू हुई और इसलिए भी ज्यादा अच्छा मौसम लग रहा है। और ऐसे लग रहा है माशाल्लाह जैसे हम मरी में फिर रहे हैं। हाँ, अगर ये ऐसा ही मौसम रहे ना हमेशा। हाँ जी, तो क्या ही मजेदार बात है, फिर तो गर्मी का पता ही ना लगे। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन कुदरत ने हमें देखो चार मौसम दिए हैं हमारे मुल्क को। बहुत शदीद गर्मी थी, बहुत शदीद, बहुत ज्यादा गर्मी थी। और ईद से एक दिन पहले अचानक ही मौसम चेंज हुआ लाहौर का। हाँ जी, बारिशें शुरू हुई हैं और मुसलसल ही हो रही हैं, जब से तकरीबन मुसलसल ही हो रही हैं। और इतना प्यारा मौसम है, इतना प्यारा मौसम के बस मैं क्या बताऊँ, दिल करता है मरी को छोड़ के लोग लाहौर में इंजॉय करने आ जाएं। हाँ जी, बहुत प्यारी हवा चल रही है। मैंने कहा वाक भी कर लूँ, नमाज तो पढ़ ली है, नमाज कुरान पाक पढ़ के फारिग होने के बाद ऊपर जाके मौसम भी इंजॉय कर लूँ और साथ वॉक भी हो जाएगी थोड़ी बहुत। नहीं, ये तो बहुत अच्छा किया, चलो इस बहाने मैं भी आ गया। अभी तो वो हवा एकदम तेज हवा हो गई है और ठप करके दरवाजा लग गया। ऐसे ही है, बच्चे भी आ रहे थे पीछे भागते हुए, हम भी जाते हैं ऊपर। मैंने कहा आ जाओ नमाज पढ़ के आ जाना, पूरब तो सोई हुई है, उसको बेचारी को रात से शदीद बुखार हो रहा है। हाँ, वो उसके लिए दुआओं की अपील, उसको शदीद वाला बुखार है, शदीद वाला मेडिसिन भी ली है। मेडिसिन भी ली है, बस अल्लाह पाक उसको सेहत देगा इंशाल्लाह। हाँ जी, कपड़े उतार के ले गए और क्लिप यहीं लगे हुए छोड़ के। सही है, ये तो धूप इतनी तेज नहीं निकल रही, वरना ये धूप में सारी खराब हो जाती है। हाँ जी, ये बस अब आप बड़ी हो घर की तो फिर आसाब जहर है, आपने फिर ये काम देखने हैं ना, बच्चों को तो नहीं पता लगता। चले नीचे चल के नाश्ते की तैयारी करते हैं, हम गैस आ गई। हाँ, नाश्ता बनाओ, नाश्ता करें, फिर मेरा ख्याल है कि हमारे मेहमानों ने अब जाना भी है। हाँ जी, तो हाँ, मेहमानों को फिर हम वो क्या कहते हैं, अलविदा कहें। हाँ जी, और मैंने तो अलविदा कौन से वाला कहना है, कौन से वाला छोड़ के आने वाला। हाँ, पसरूर। मैंने कहा पता नहीं कौन से वाला अलविदा। हाँ जी, चलें फिर।